नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मिश्रा, टीम सेल्सी। आज हम लोग बात करेंगे दंगल 9 पे। जिस घड़ी का इंतजार था वो नजदीक आती जा रही है। और बेटा प्लीज 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 स्ट्रेस को दूर रखो। जितने बच्चे मिल रहे हैं सब यही की टेंशन तो होगी ही। जिन्होंने पूरी साल पढ़ाई की है, मेहनत की है, उनको रातों को नींद तो नहीं आएगी, लेकिन अच्छी नींद लेके और एक बहुत बेहतर काम करना है, ठीक है। तो आज बात करेंगे हम दंगल 9 के 74 नंबर क्वेश्चन ऑर्गेनिक की बात करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है द आईयूपीएसी नेम ऑफ CS3, इसको आराम से ओपन कर लिया, CS3 CS3 CL, नंबरिंग 1 2 3, ठीक है। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, कौन सा आंसर हो गया? थर्ड। एकदम क्लियर कट टू कट, एग्जाम में नॉर्मली क्वेश्चन आएंगे, कोई लफड़ा वाला नहीं आएगा। 75, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स प्रोपाइन ऑन हाइड्रोलिसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपाइन ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो 4 हाइड्रोलिसिस, एल्युमिनियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस से मीथेन, बेरिलियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस से मीथेन, कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस से एसिटिलीन और मैग्नीशियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा? प्रोपाइन। देयर आंसर इज सेकंड, ठीक है ना। Mg2C3 हाइड्रोलिसिस करोगे क्या बनेगा? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच है मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट? एनसीईआरटी की लाइन जो चार्ट बना हुआ वहां से है। मेल्टिंग पॉइंट में सबसे मेन काम है सिमेट्री, मॉलिक्यूलर वेट अपनी जगह पे है। यहां कई बच्चों को लगेगा कि सर मॉलिक्यूलर वेट तो एन हेप्टेन का दिखा है, लेकिन एनसीईआरटी का डाटा वाइज देखना एन नियोपेंटेन 10 कार्बन वाले से भी अधिक है। तो नियोपेंटेन, चूंकि इसमें क्या है? सिमेट्री है। क्या है? सिमेट्री। नियोपेंटेन में सिमेट्री है, तो ये सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट इसका होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो सिंपल है, यहां देखो NNH2, एक NNH2 यूज किया तो HCl निकल गया, फिर दोबारा NH2 किया फिर HCl निकल गया, क्या बन गया? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब तक कितने यूज हो गए? 2। फिर NNH2 डालोगे, ठीक है ना, क्या बन जाएगा? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CNA और फिर CH3 CL, तो ये चीज बन जाएगी। पूछा है X कितना है? X तो कितने NH2 डाले आपने? 2 और 1 3, आंसर कौन सा हो गया? थर्ड, ठीक है। बातों को बेटा आराम से, वहां भी कूल रहना है आपको। अब जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया, अब अपने को कूल होके सारी चीजों को समेट कर एक शॉर्ट नोट लेकर उसको रिवीजन, बस बस एक बार पेज पलटते रहो, खुश रहो। खुश रहना बहुत जरूरी है, कोई टेंशन नहीं, आराम से काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ नाइट्रेशन। अब देखो बेंजीन के नाइट्रेशन का जो स्टेप है, वो जो NO2 का प्लस का अटैक है ना, उस पर करता है। HDT के निकलने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सल्फोनेशन में पड़ता है, सल्फोनेशन में पड़ता है, लेकिन नाइट्रेशन और हैलोजनेशन में इन तीनों की, इसकी इसकी, तीनों की रेट लगभग क्या होगी? बराबर, क्योंकि फर्स्ट स्टेप HDT के निकलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कर लोगे? नेक्स्ट चलते हैं। 79, प्योर एनसीईआरटी की बात फिर है, इसमें एक स्टेप कर देते हैं। Cl2AlCl3 6 दे रखा ना, यह है बेंजीन, देखना इधर, और यहां जो Cl प्लस आया प्लस और ये माइनस Cl, H है प्लस है, माइनस H प्लस क्या बन गया? ये बना। अब देखो ऐसे कितनी बार करेंगे? 5 बार और करेंगे तो क्या बन गया? 5 Cl2, 5 बार और करना है AlCl3, तो Cl 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 Cl, तो C6Cl6, आंसर कौन सा हुआ? थर्ड, ठीक है।
ये भी एनसीईआरटी। NaBH4 सी डबल बॉन्ड ओ को किसमें चेंज करेगा? OH में। और NaBH4 एस्टर एसिड इनका रिडक्शन नहीं करता है, तो आंसर कौन सा हो गया? फर्स्ट। ठीक है, यानी LiLH4 होता ना तो इसको OH कर देता है, इसको CH2OH। ठीक, विच इज मोस्ट एसिडिक? देखो ना, फिनॉल है, बेंजोइक एसिड, फिनॉल, ये H निकालोगे O-, बेंजोइक एसिड सी डबल बॉन्ड O-, सल्फोनिक एसिड जब H निकालोगे तो SO3-, तो थ्री मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे निगेटिव चार्ज, तो आंसर कौन सा होगा? थर्ड, में सल्फोनिक एसिड। ठीक है, सिंपल सी कहानी, ग्रिग्नार्ड रेजेंट पेपर में होने की वजह से इसको दिया हमने Cl, देखना Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 MgCl प्लस और ये माइनस, ये इधर ये इधर ये बाहर, क्या बन गया? CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2 वन इक्विवेलेंट है ना, अब आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। ठीक है, कई बच्चे इसको बनाने की कोशिश, लेकिन ये क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक, जो सेकंड ऑप्शन है वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, 83 एच प्लस ले गए OH2+, यहां से निकला, पांच की रिंग किसमें खुलेगी? 6 में, माइनस प्लस, यहां क्या बन गया? बेंजीन। अब Cl2 AlCl3 Cl+ अटैक करेगा सर, प्लस और माइनस, तो ये हो जाएगा Cl+ और यहां क्या है? H+ निकाल दिया, आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। ठीक है ना, बोलो कर दोगे काम? इधर देखो, CCNGBR हाफ O2 सीधे OMGBR C6H5 OMGBR और फिर हाइड्रोलिसिस करोगे, क्या बन जाएगा? फिनॉल। सिंपल सी कहानी बन गया। अरे ये OMGBR C6H5 OMGBR हाइड्रोलिसिस माइनस और प्लस, यहां क्या आ जाएगा? H, तो ये क्या बन गया? फिनॉल। जिंक डस्ट ZnO निकल गया, क्या हो गया? बेंजीन। कौन सा आंसर हो गया? सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट 85, सिंपल सी कहानी, एसिड बेस रिएक्शन, यहां देखो प्लस और ये माइनस, माइनस और ये प्लस, तो क्या हो गया? CH4+ CH3COOMGBR, आंसर कौन सा हो गया? फर्स्ट। बोलना बेटा, 86, ईथर का लाइन उठा के दे दिया हमने जो पूरी थी, बड़े वाले का अल्कोहल, छोटे वाले का आयोडाइड, तो C2H5 देखो C2H5OH प्लस CH3I, लेकिन फिर HI है यहां से H2, C2H5I दोनों क्या बन गए? आई, तो C2H5I ऑप्शन में है। ठीक है, CH3I है नहीं, कर लोगे? बोलो 87 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन BD3 BD3 से क्या जाएगा? D, वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम, और H2O2OH- से OH, वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन संख्या अधिक, तो यहां OH और यहां D, ऐसा कहां है? फोर्थ, 87 देख लो। ठीक है, एंटी मार्कोनी का है ना, तो वहां ले जाओगे जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी, हो गया आंसर। नेक्स्ट, अरे कर लोगे बेटा, BD3 से क्या जाएगा? D, वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन संख्या कम, H2O2OH- से OH, वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन संख्या अधिक, अगर यहां D2O2OD- होता तो यहां से क्या जाता? OD, तो 87 का आंसर हमारा क्या हो गया? 4। ठीक है, नेक्स्ट, एटी एट सही है,
कौन सा है? टोलवीन है, CrO2Cl2। ये कौन सी रिएक्शन होगी? इटार्ड। कौन सी रिएक्शन होगी? इटार्ड। तीन है एनसीईआरटी में, टोलवीन की क्लोरीनेशन, दो बार सीएल लगा के हाइड्रोलिसिस करोगे वो बन गई, और एक वो ये इटार्ड रिएक्शन हो गई, और एक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन, उसमें भी एल्डिहाइड बनता है, ध्यान रखना बेटा, कर लोगे। नेक्स्ट सेलुलोज एसीटेट, ये भी प्योर लाइन एनसीईआरटी की। देखो नेचुरल ओवर सेमी सिंथेटिक सिंथेटिक प्लास्टिसाइजर, ठीक है। तो सेलुलोज एसीटेट याद करना, सेलुलोज गन कॉटन और रेयन वाली बात, ठीक है ना। तो ये कौन सा होगा? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, ध्यान है बाबू, ये ध्यान दो, उसको तुरंत एनसीईआरटी लिख पढ़ना। कौन सा होगा? सेमी सिंथेटिक, ठीक। कट करें, विच वन इज पॉलीएमाइड, ठीक है ना। पॉलीएमाइड, पॉलीएमाइड मतलब इसमें CONH लिंकेज आ जाए, ठीक है। तो नायलॉन 6-6, इसमें हेक्सामेथिलीन डायमीन और ADP के एसिड, जब दोनों को मिलाएंगे तो H2 निकलेगा और ये बॉन्ड इसमें आ जाएगा। ओम्स गैप याद है ना, और हेक्सामेथिलीन डायमीन, इसको पॉलीमराइज करेंगे तो यहां से क्या निकलेगा? OH, और यहां से H, यहां से OH, यहां से H। तो ये जब आएगा ना, तो ये तो जो भी है यहां क्या हो जाएगा? CONH, और इधर जो भी है, तो CONH बनने से ये क्या हो जाएगा? पॉलीएमाइड। ध्यान से देख लो, आपको मोनोमर पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ब्यूना है, एस्टर लिंकेज, एस्टर लिंकेज स्टेरिलीन, ठीक है ना। बेकेलाइट का यूज पूछता है, बेकेलाइट फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, उसका मोनोमर हो गया। यूज वही करना है जो एनसीईआरटी में है, लास्ट वाला देखो ना, एकदम लास्ट में पॉलीमर में चले जाओगे तो एक चार्ट बना हुआ है, वही आपको यूज करने, ठीक है, कर लोगे अभी नहीं हो। अब सुनो, हेलो बेटा, पूरी आप लेट के खुशहाल होके कैसे, अब तो सब पढ़ लिया, अब उसको केवल शॉर्ट नोट को अपने पलटना है, फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिक्स सबके फॉर्मूले को सेट रखना है एक कॉपी में, जो शॉर्ट नोट है वही लेके आप सेंटर पे, उसके पहले अपने बच्चे पढ़ते हैं तो रात को कोई, जिससे मान लो कोई कन्फ्यूजन हो, रात को नींद खुल जाएगी, अरे यार ये चीज़ नहीं हुई, तो उसी चीज़ को अपने पकड़ना है काम, हाँ, क्योंकि डिस्टर्ब नहीं होगा। जैसे मान लो अचानक आए कि नोडल प्लेन का फॉर्मूला कौन सा होगा, स्फेरिकल नोड का फॉर्मूला कौन सा होगा, समझ रहे हो, ये चीज़ गड़बड़ ना हो, ठीक है, कर लोगे ना। चलो बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट, थैंक यू डियर। हेलो स्टूडेंट्स, दंगल 09 में आज पहुंच चुके हैं हम। अब हमारा जो है दंगल एक ही बच रहा है लास्ट, और ये अभी हम इनऑर्गेनिक पार्ट के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहले 51 से 62 करेंगे और फिर हम 91 से 95 क्वेश्चन सोल्व करेंगे इनऑर्गेनिक में। तो इनऑर्गेनिक में टोटली एनसीईआरटी को कवर किया जा रहा है, आपका एनसीईआरटी पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि इनऑर्गेनिक टोटली एनसीईआरटी पर ही आधारित क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करते रहे। तो देखिए हम 51 क्वेश्चन में आते हैं। मोलिकुलर शेप ऑफ द SF6CF4 XCF4। देखिए आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे सबसे पहले, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन SP3D हो गया है बच्चों, इसका SP3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और इसका SP3D2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। पहले सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए, फिर इसका जो शेप देखो सीसा शेप हो गया, एक टेट्राहेड्रल हो गया, और ये आपके पास स्क्वायर प्लेनर हो गया। तो शेप आपका क्या अलग अलग आ रहा है, लोन पेयर निकालोगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में से जो सराउंडिंग एटम है वो घटा दीजिए, तो इसमें लोन पेयर आ गया बच्चों 1 आपके पास, यहाँ लोन पेयर 0 हो गया, और यहाँ लोन पेयर आपका 2 हो गए हैं। तो डिफरेंट विद 1, 0, 2 लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली, फोर्थ आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट लेते हैं अपन, विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज सिगमेंट पाई बॉन्डेड। देखिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में मतलब है कि जब आपके पास कोई भी एलिमेंट, मैं बोलूँ या मैं बोलूँ मेटल जो होती है वो कार्बन से अटैच होती है, उस पर अपन सिग्मा और पाई बॉन्डेड, तो अपन अलग अलग केस में बोलेंगे। पहले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसको कहते हैं ये बताया मैंने। तो देखिए फर्स्ट आपका जो एग्जाम्पल है बच्चों पाई बॉन्डेड, फेरोसिन जो है ये पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक का एग्जाम्पल है। अब प्लेटिनियम जो होती है वो ऑर्गेनिक के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो ये भी पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है।
और मेटल कार्बोनिल जो होते हैं बच्चों, जैसे इसमें यहाँ आपके पास इस तरह का बॉन्ड होता है और ये सिनर्जिक बॉन्डिंग आपके पास हो जाती है इसमें, तो ये पाई बन जाता है और ये सिग्मा बन जाता है, सिग्मा पाई दोनों का एग्जांपल आपका रहेगा थर्ड, और ये आपके पास फिर सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आ जाएगा, तो आपका जो आंसर जाएगा वो थर्ड आंसर इज करेक्ट। फिर आता है हमारे पास द वेरिएशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड इन द ऑर्डर ऑफ HF। सबसे ज़्यादा HF का बॉइलिंग पॉइंट आता है आपका HI, HBr, HCl से, तो ये पूछ रहा है कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बच्चों, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है इसमें। देखिए ये HF है, ये HF, यहाँ पर ये H बॉन्ड हो गया आपका, और ये H बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या होता है, यहाँ आपके पास जो एलिमेंट आएगा वो हाई EN होना चाहिए, स्मॉल साइज होना चाहिए, तो ये फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट जा रहा है। फिर बॉन्ड एनर्जी का लॉजिक आ रहा है, ये नहीं आएगा कभी भी। फिर न्यूक्लियर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब नहीं है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं आ रहा, तो फर्स्ट आंसर आपका बच्चों करेक्ट जा रहा है। देखिए जब भी कोई भी आप मेटल लो चाहे नॉन मेटल हो, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करोगे तो NO2 जो होती है, ब्राउन गैस जो होती है बच्चों, वो रिलीज होगी आपकी, तो NO2 थर्ड आंसर इज ए करेक्ट। विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन अकर ड्यूरिंग द कैल्सिनेशन। देखिए एक होता है रोस्टिंग और एक होता है कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन में बच्चों क्या होता है, इन प्रजेंस ऑफ, एक तो रोस्टिंग होता है, प्रजेंस ऑफ एयर अपन क्या करते हैं, हीट करते हैं, और यहाँ अपन एब्सेंस ऑफ एयर हीट करते हैं। जब कार्बोनेट को हीट करेंगे तो ऑक्साइड बन जाएंगे, हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे तो ऑक्साइड बन जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट ठीक आ रहा आपका और थर्ड ठीक आ रहा है, ये आपका ऑटो रिडक्शन हो गया है और ये आपके पास रोस्टिंग प्रोसेस हो जाता है, तो फर्स्ट एंड थर्ड जो है आपके पास प्रोसेस है वो सही आ रहे हैं कैल्सिनेशन के लिए, तो फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट जा रहा है। 56, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछा बच्चों, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोलना है आपको। BrF3 मॉलिक्यूल हैव द डिफरेंट शेप, ये करेक्ट आ रहा है क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बन रही है इसकी। BrF3 का हाइब्रिडाइजेशन आपके पास sp3d आएगा, क्योंकि ब्रोमीन आपके पास आ गया, ब्रोमीन में कितने हो गए, 7 7+3 10 10 में डिवाइड करेंगे टू द sp3d, तो डिफरेंट शेप आएगा। B2S6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है बच्चों, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का एग्जांपल है ये। फिर अमोनिया आप एक्सेस में रिएक्ट कराओगे तो B2 से एसिमेट्रिक क्लीवेज होगा, ये भी ठीक आ रहा है आपका, और NH3 B2 से सिमेट्रिक क्लीवेज ये नहीं होगा, तो ये आपका इनकरेक्ट आंसर आएगा बच्चों, और मैं इसको एक्सप्लेन भी आपके पास कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो बोरोन है, ये आपके पास में बच्चों इस तरह से ब्रेक हो गया, तो ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करके NH3, और ये आपके पास आ गया BH2। अब BH2 पे क्या आएगा बच्चों, प्लस आएगा, और यहाँ अमोनिया आपको कितने चाहिएंगे, 2 चाहिएंगे, तो ये प्लस आपके पास आ जाएगा, और एक PH4 ये आपके पास माइनस आ जाएगा, इस तरह का एक सॉलिड बन जाएगा, तो ये एसिमेट्रिकल क्लीवेज होगा, नॉट एसिमेट्रिकल। हाँ बल्कि आप बेस लेते हो, जैसे CO ले लिया, 3° amine ले लिया, ठीक है, उस केस में आपके पास है सिमेट्रिकल क्लीवेज होगा, लेकिन अमोनिया के केस में बच्चों एसिमेट्रिकल क्लीवेज होना है, ये एसिमेट्रिकल क्लीवेज है, तो ये आपका आंसर फोर्थ चला जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग द मोस्ट बेसिक। देखिए बच्चों सीरियम से अपन स्टार्ट करते हैं और ये लास्ट में LU तक जाते हैं, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा आपका सीरियम, और एल्यूमिनियम जो होता है वो तो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, सबसे ज़्यादा बेसिक नहीं होगा, क्योंकि सीरियम जो है वो सबसे ज़्यादा बेसिक बनना जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्डर इज द करेक्ट द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ द हेलोजन। देखिए हेलोजन में हमारे पास फ्लोरीन जो होता है उस पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लगेगा बच्चों, स्मॉल साइज पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लगेगा,
ड्यू टू स्मॉल साइज, स्मॉल साइज पर इंटरनल रिपल्सन होने के कारण इसकी एनर्जी जो है कम हो जाएगी और ये ऑर्डर में यहाँ आ जाएगा, तो फोर्थ आंसर आपका जो है वो करेक्ट चला जाएगा। पी पाइप, देखिए डी पाइप पी पाइप या पी पाइप डी पाइप बॉन्डिंग पूछ रहा है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर सेंटर वाले का डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है, पेरिफेरल वाले पाई हो रहा है, तो सेंटर में आपके पास क्या होना चाहिए, वेकेंट डी ऑर्बिटल वाला होना चाहिए। देखिए पहले में तो आपके पास ऐसा कुछ है ही नहीं क्योंकि सब सेकंड पीरियड के एलिमेंट आ रहे हैं और यहाँ भी सेकंड पीरियड के आ रहे थे, दो तो कैंसिल आउट हो गए। अब थर्ड में आपके पास फॉस्फोरस यहाँ आ रहा है, बिस्मिथ आ रहा है, लेकिन अब हाइड्रोजन मल्टीपल बॉन्ड ही नहीं बन रहे तो यहाँ तो कोई पाई बॉन्ड के चांसेज नहीं है, तो सेकेंड आंसर बचेगा आपका P2O3, और P2O3 को भी आप P4O6 और एक ले सकते हो आप P4O10 ले सकते हो। तो इसमें देखिए स्ट्रक्चर में आप इस तरह से ले सकते हो P O P, फिर आपके पास P आ गया, फिर आपके पास O आ गया, फिर बच्चों ये P आ गया, फिर ये आपका POP और ये POP, ये थे। तो ये आपका P4O6 हो जाएगा, और फिर PO410 बनाना हो तो डबल बॉन्ड यहाँ शो कर दीजिए ऐसे। तो हाइब्रिडाइजेशन आप दोनों केस में देखोगे sp3 आएगा। अब एक शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब भी होगा ना तो वहां पर केवल पी पाई डी पाई बॉन्ड ही होगा, पी पाई डी पाई बोल दो या आप इसको मॉडिफाइड करके ऐसे बोल दो सेंटर के अकॉर्डिंग डी पाई पी पाई बॉन्ड, ये होगा इन्वॉल्व। ठीक है बच्चों, फॉस्फेट का आप स्ट्रक्चर जानते हो, फॉस्फेट में भी हाइब्रिडाइजेशन आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो आप याद रखिए sp3 sp3d sp3d2 और sp3d3, इन सब में हमेशा पी पाई डी पाई बॉन्ड या डी पाई पी पाई बॉन्ड होता है। बाकी केस में sp हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में पी पाई बॉन्ड होता है, sp2 में पहला बॉन्ड पी पाई होता है, फिर दूसरा बॉन्ड पी पाई डी पाई होता है। ओके बच्चों, सेकंड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग स्पीसीज, तो देखिए MOT के अकॉर्डिंग आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे जब भी, तो ये आपके पास Nb-Na डिवाइड 2 हो जाएगा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड 2 करना है आपको। तो देखिए O2 के बॉन्ड ऑर्डर आता है बच्चों 2.0, O2 प्लस में आता है 2.5, O2 प्लस 2 में आता है 3.0 और O2-1 में आता है 1.5, ये बॉन्ड ऑर्डर होता है MOT के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। तो O2+, O2+ और O2-, ये फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। MOT में कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे σ1s एंटीबॉन्डिंग σ1s, फिर आप σ2s फिर σ2s एंटीबॉन्डिंग, फिर पाई पहले σ2pz फिर πx πy2py फिर एंटीबॉन्डिंग πx πy2py और फिर πx2pz एंटीबॉन्डिंग, ये लिख के आप ऐसे निकाल लीजिए। 16 मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग, देखिए प्योरिफिकेशन मेथड है मेटलर्जी का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसमें टाइटेनियम को जब अपन आयोडीन के साथ रिएक्शन कर, टाइटेनियम का हाइड्राइड बनेगा, पहले लो टेम्परेचर पर बना लेंगे कॉम्प्लेक्स, फिर हाई टेम्परेचर वापस इसको ब्रेक करेंगे तो ये वोलेटाइल होने के कारण अलग हो जाएगा आपका, तो बोन अर्कल प्रोसेस बोलते हैं बच्चों इसको, बोन अर्कल। टाइटेनियम और जर्कोनियम के कंपाउंड इसमें लेते हैं अपन, और जोन रिफाइनिंग मेथड है, अल्ट्रा प्योर मेटल आता है आपका जर्मेनियम और सिलिकन के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए होता है ये। और क्यूपुलेशन जो है, इसमें जब कोई भी मेटल में सिल्वर की इम्प्योरिटी होती है तो क्यूपुलेशन काम में लेते हैं। क्यूपेल एक बोन का बना हुआ एक कंटेनर होता है बो शेप के अंदर, वो लेते हैं जो एब्जॉर्ब कर लेता है कुछ इम्प्योरिटी, वोलेटाइल उड़ जाती है। पोलिंग मेथड कब लेते हैं, जब कोई मेटल में मेटल के ऑक्साइड की इम्प्योरिटी होती है वहाँ पोलिंग मेथड काम में लेते हैं अपन। तो यहाँ पर प्योरिफिकेशन में थर्ड आंसर आपका करेक्ट चला जाएगा बच्चों। द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर कैन एग्जिस्ट द स्क्वायर प्लेनर, देखिए ये आपके पास MABCD टाइप का कॉम्प्लेक्स हो गया, तो इसमें आप जो नंबर ऑफ GI जो आते हैं, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, ये एक शॉर्ट ट्रिक रहेगी आपकी, इस ट्रिक को आप काम में लीजिए।
तो कॉम्बिनेशन बना लेंगे, ए बी सी डी हो गया आपके पास, फिर ए सी हो गया, फिर बी डी हो गया, फिर ए डी हो गया, फिर आपके पास बी सी हो गया, तीन कॉम्बिनेशन है। तो जी आई आपके पास बच्चों तीन हो गए हैं, कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग निकाल लीजिए, तो आपका फोर्थ आंसर जो है करेक्ट आ जाएगा। विच अलॉय कंटेन लेंथेनॉइड्स, विच अलॉय कंटेन लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉइड पूछ रहा है। तो देखिए लेंथेनॉइड में आपके पास जो है अप्रोक्सीमेट 95% तो आपके पास लेंथेनॉइड होगा बच्चों, और प्लस अप्रोक्सीमेट 5% आपके पास होगा एफई, और थोड़ी बहुत अमाउंट में आपके पास अदर मेटल में जैसे एल्यूमिनियम आपके पास आ गया, सिलिकन आ गया, कैल्शियम आ गया, अदर ये मिल जाएंगे। तो ये आपके पास मिस मेटल का कंपोजिशन हो जाएगा, और रोल्ड गोल्ड में कॉपर प्लस एल्यूमिनियम होता है, नकली सोना जिससे बनाते हैं, चीप ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। ब्रॉन्ज में कॉपर प्लस टिन हो गया बच्चों, और फूल्स गोल्ड जो होता है FeS2 होता है, ये इसका कलर येलो होता है, इसको बोलते हैं मूर्खों का सोना, फूल्स गोल्ड। और इसमें आयरन क्या होता है, प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और सल्फर सल्फर लिंकेज होता है इसमें, SS लिंकेज। तो ये फर्स्ट आपका आंसर आ जाएगा मिस मेटल का। Na2S gives purple color with sodium nitroprusside. तो देखो ये addition reaction होगी बच्चों, Na2S plus Na2Fe CN5NO. तो यहाँ पर addition reaction होकर के बन जाएगा Na4FeCN5NOS. ये आपका पर्पल कलर का जामुनी रंग का कंपाउंड बनेगा। तो ये थर्ड आंसर आपका करेक्ट होगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, एप्लीकेशन आप जरूर एक बार पढ़ के जाए, रिवाइज करके जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन का ज़्यादातर बार मतलब पूछा गया है, तो आप इसको ज़रूर याद करें। नाइट्रोस एसिड एंड लाइट ब्लू बिकॉज इट प्रेजेंट, देखिए बच्चों HNO2 होता है, HNO2 में हमारे पास ऑक्साइड कौन सा होता है, N2O3 होता है। तो N2O3 जो होता है ना, दिस इज एनहाइड्राइड ऑफ HNO2, नाइट्रस एसिड का एनहाइड्राइड होता है ये, तो ब्लू कलर का सॉलिड होता है ये, तो डिजोल N2O3 थोड़ा बहुत मिला रहता है, उस वजह से इसका कलर जो होता है लाइट ब्लू आता है। तो फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ये लाफिंग गैस हो गया, और ये NO, ये दोनों न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, N2 नाइट्रोजन गैस हो गया आपका। विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट करेक्ट, मतलब कौन सा सही नहीं है। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्रोमियम का 6 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे बढ़ रही, कोवेलेंट करेक्टर आपके बढ़ते जा रहे हैं, और आयनिक करेक्टर यहाँ पर आपका ऑर्डर जो आ रहा है वो सही आ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन O-S-, तो एनाइन कौन सा बड़ा है, ये बड़ा एनाइन आपके पास, ये स्मॉलर एनाइन, तो इसमें कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा, आयनिक कम हो जाएंगे, तो सेकंड भी ठीक आपका आ रहा है। और ये आयनिक करेक्टर का आपका जो आ रहा है बच्चों, ये ऑर्डर आएगा इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब ये आपका गलत ऑर्डर है। और केशियल एरेजिशियल में इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ गए, सूडोनेट कॉन्फिगेशन, ये 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगेशन हो गया, तो सूडोनेट गैस कॉन्फिगेशन कॉपर प्लस एजी प्लस एयू प्लस में कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होंगे आपके, तो ये सही ऑर्डर आपका, तो थर्ड आपका गलत ऑर्डर है बच्चों। विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, देखिए बोराजीन हैज हायर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कम्पेयर टू द बेंजीन, देखिए बोराजीन होता है B3N3H6 और बेंजीन होता है C6H6, तो ये ज़्यादा पोलर होता है, क्योंकि इसमें पोलर बॉन्ड होते हैं, पोलर बॉन्ड होते हैं बोरोन और नाइट्रोजन के, इस वजह से ये ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स लगाएगा आपके पास, पहला ठीक है। फिर O2 और इसमें देखें तो बच्चों O2 ये प्लस आयनाइज हो गया, और KO2 में सुपर ऑक्साइड में O2 माइनस हो गया, तो यहाँ पर आपके पास बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा ना, बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो ये 2.5 हो गया और ये 1.5 हो गया, तो इसमें बच्चों
बॉन्ड ऑर्डर ऊपर वाले में क्या हो गया हमारे पास, ज्यादा, तो बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ एमओटी से, तो ये शॉर्टर ये सही हमारा है। और फिर हमारे पास आता है द बॉन्ड एंगल ऑर्डर हेलोजन। देखिए इसमें सल्फर ऑक्सीजन, यहां पर फ्लोरीन आ गया आपके पास, फिर ये क्लोरीन आ गया, फिर आपके पास ये ब्रोमीन आ गया, तो यहाँ पर इनका साइज जो है वो बढ़ता जा रहा है, रिपल्सन बढ़ रहा है आपके पास, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, तो ये भी आपका ठीक ऑर्डर आ रहा है। इसके बाद देखिए एक्सेप्ट द नॉन पोलर मॉलिक्यूल, सही है। देखिए हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका, sp3d3 हो गया बच्चों, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो ये हो गया आपके पास डिस्टोर्टेड ऑक्टेडल बोल सकते हैं अपन इसको, और इसको अपन ऐसे भी बना सकते हैं, यहां जीनोन ले लीजिए आप, अब देखिए ये लोन पेयर आपके पास, तो ये डिस्टोर्ट हो जाएगा आपके पास, तो डिस्टोर्टेड ऑक्टेडल, ये म्यू जो है इसका नॉट इक्वल जीरो होगा, तो ये पोलर मॉलिक्यूल होगा बच्चों, तो फोर्थ आपका जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट में जा रहा है, पोलर होगा और इसमें लिखा है आपका नॉन पोलर। तो ये बच्चों हमारा इनऑर्गेनिक का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है, सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अच्छा करें, अभी लास्ट पेपर आने वाला है, उसके बाद में आपको नीट का एग्ज़ाम देना है, सभी को बिल्कुल इस टाइम कॉन्फिडेंस बना के रखना है। ओके बच्चों, थैंक यू। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हनुमान जंगिड, टीम केमिस्ट्री CLC सीकर। आज अपन डिस्कस करने जा रहे दंगल के पेपर नंबर 9 को केमिस्ट्री का फिजिकल पोर्शन में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। होपफुली पेपर आपका अच्छा हुआ होगा, ठीक है। पेपर में सारे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम और NCERT बेस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिएगा, फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम, सेक्शन फर्स्ट में अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि आपको इसमें से सारे क्वेश्चन करने हैं, सेक्शन फर्स्ट में 35 के 35 करने होते हैं, सेक्शन सेकेंड में से 15 में से आपको 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करना होता है। ओके, देखिएगा 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स तथा वाई के जालक में एक्स परमाणु कोने पर तथा वाई परमाणु फलक के केंद्र पर उपस्थित है, यदि कोनों पर उपस्थित एक्स परमाणुओं में से एक को जेड परमाणु द्वारा बदल दिया जाए तब इस यौगिक का सूत्र क्या होगा। इन ए CCP लैटिस ऑफ द एक्स एंड वाई, एक्स एटम आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर व्हाइल वाई एटम्स आर एट द फेस सेंटर, देन द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड वुड बी इफ वन ऑफ द एक्स एटम फ्रॉम ए कॉर्नर इज रिप्लेस्ड बाई जेड, जेड जो है वो मोनोवेलेंट एटम है, ठीक है। अगर अपन बात करें कि एक्स जो है वो कॉर्नर पे है तो 8 कॉर्नर थे, वाई जो है वो FCC पे है, 6 फेस सेंटर होते, ठीक है, फेस सेंटर पे। अब बोला इसमें से 8 कॉर्नर में से एक कॉर्नर रिप्लेस हो गया, तो इसका मतलब x जो है वो अब 7 कॉर्नर पे, कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो x की वैल्यू हो गई x 7/8, y फेस सेंटर पे तो y का कॉन्ट्रीब्यूशन, फेस सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 होता है, अगर 1/2 होता है इट मीन्स 6 फेस सेंटर है तो 6 मल्टीप्लाई बाई 1/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6/2, z आ गया 1, वो कॉर्नर पे ही आया है तो कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता है, ये लीजिएगा। यहां से अपन को बस सोल्व करना है, अगर यहां से मैं LCM 8 ले लेता हूं तो x 7, ठीक है, y 24 एंड z जो आएगा वो 1 आएगा, x 7 y 24 z, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, एटम रिमूव करना, फॉर्मूले टाइप क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करें, अधिशोषण के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द एडसॉर्प्शन,
एडजॉर्प्शन के लिए बोला इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना, असत्य बताना है सबसे पहली बात, तो इनकरेक्ट बताना है। भौतिक अधिशोषण को वंडरवॉल्स अधिशोषण भी कहते हैं। फिजिक्स ऑप्शन इज ऑल्सो नोन एज वंडरवॉल्स एडजॉर्प्शन, बिल्कुल सही बात है। फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो होता है वो एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने वाला है वो किस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फिजिकल मीन्स वंडरवॉल फोर्स लगने वाला है, इसलिए इसका नाम वंडरवॉल एडजॉर्प्शन भी होता है, इट इज द ट्रू। सेकेंड नंबर, केमिस्ट ऑप्शन इज ऑल्सो नोन एज एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन, सक्रिय अधिशोषण भी कहते हैं, सक्रिय अधिशोषण भी कहते हैं। एक्चुअल में केमिकल एडजॉर्प्शन में एक केमिकल बॉन्ड बनता है, केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए आपको रिएक्टेंट स्पीसीज को एक पर्टिकुलर एनर्जी तक पहुंचाना होता है जिसे अपन एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। इट मींस इसमें एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है, एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है इसलिए इसे क्या बोला जाता है, एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन, ये भी ट्रू है। अगला कह रहा है रासायनिक अधिशोषण में सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज इक्वल टू एक्स बाई एम होगा के पी की पावर 1/n होगा, ये भी सही है बट गलत लिखा हुआ है। 1/n की वैल्यू जो होती है वो 0 से लेके 1 तक होती है, इसका मतलब n जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, n की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, 1 या 1 से ज्यादा, ये कह रहा है n इज लेस देन 1, ये गड़बड़ हो गया है, इसकी वजह से फॉल्स स्टेटमेंट इज द 4। फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा हो गया, 4 गलत स्टेटमेंट हो गया है। ओके हाँ जी, 65 नंबर प्रॉब्लम देखिएगा, किसी शून्य कोटीय अभिक्रिया में प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि करने से अभिक्रिया वेग 2 गुना हो जाता है, यदि ताप 20 से 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग हो जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। बोला है फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर द रेट इज डबल, इफ टेम्परेचर राइजेज फ्रॉम 20 to 100 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी। एक सिंपल सी बात है, जब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज किया जाता है तो रेट जो होती है वो 2 टाइम्स होती है, इट मीन्स रेट का जो रेशियो होता है वो टेम्परेचर कोफिशियंट होता है, 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन टेम्परेचर डिफरेंस पे, चाहे वो रेट का रेशियो हो चाहे रेट कॉन्स्टेंट का रेशियो, एक ही बात है। ओके अब सुनिएगा, अगर आपको कभी भी ये पता करना है चेंज इन रेट कितना हुआ है, तो चेंज इन रेट इट इज इक्वल टू टेम्परेचर कोफिशियंट की पावर डेल्टा टी अपॉन 10। 20 से 100 हुआ इसका मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर कोफिशियंट फर्स्ट ऑफ थिंग 2 है, डेल्टा टी कितना है 80 डिवाइड बाई 10 2 की पावर 8 जो होता है वो 256 टाइम्स होता है। ओके रेट 256 टाइम्स हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा, 66 नंबर, गिवन दैट मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे Fe3+ एंड सल्फेट आयन की, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ फेरिक सल्फेट Fe2SO4 होल थ्राइस। एक सिंपल सी बात है, अगर ये मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है तो मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो होती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू एन फैक्टर, एन फैक्टर जो होता है वो चार्ज के इक्वल होता है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो होगी वो मोलर कंडक्टिविटी अपॉन एन फैक्टर हो जाएगा, तो इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इसका एन फैक्टर कितना है 3, तो 204 डिवाइड बाई 3 इट इज द 68, इसके लिए हो जाएगा 160 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 80। जब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसकी, Fe2SO4 होल थ्राइस की, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में सीधा एड ही करना है, आयन को नंबर का मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये लीजिए ये कितना हो गया 68 + 80 = 148, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, कोलराउस लो है सिंपल सा। ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं, 67, 18 ml जल में मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स इन 18 ml वाटर आर, देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है ये काफी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 18 ml वाटर नॉट वाटर वेपर फर्स्ट ऑफ थिंग, सेकेंड नंबर एनटीपी की कंडीशन भी नहीं है, तो आप वेपर कंसिडर कर भी लोगे तो जब तक एनटीपी नहीं होगा तब तक मोल कैलकुलेट नहीं होगा। आपको मालूम है वाटर की डेंसिटी जो होती है वो 1 ग्राम पर ml होती है, ये लीजिए
इसका मतलब होता है कि इसका मास और वॉल्यूम सेम होगा, 18 ml है तो इसका मास 18 ग्राम होगा, 18 ग्राम हो गया तो नंबर ऑफ मोल्स जो होगा 18 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास, 18 डिवाइड बाय 18 इट इज इक्वल टू 1 मोल, 67 का थर्ड। ओके, 67 का थर्ड। 68 क्या कह रहा है, इफ डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा पी है ये कह रहा है, तो डेल्टा वी का मान ज्ञात कीजिए। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करें, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इट इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब ये कह रहा है डेल्टा एक्स की जगह पर 2 टाइम्स डेल्टा पी लिख लीजिएगा, ये गिवन है, इसलिए यहां से डेल्टा पी का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, एच अपॉन 8 पाई, ये लीजिए, इसको लिख दिया एम इंटू डेल्टा वी, मास में तो अनसर्टेनिटी होगी नहीं, यहां से डेल्टा वी इट इज इक्वल टू 1/√2m एच अपॉन पाई, तो एच अपॉन पाई तो रहेगा ही रहेगा, 8 का स्क्वायर रूट हो गया 2√2 और m स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया m, तो डेल्टा वी इट इज इक्वल टू 1/√2m रूट ऑफ दी एच अपॉन पाई। 68 का थर्ड। 69 नंबर क्या कह रहा है, 0.6 मोल PCl5, 0.3 मोल PCl3, 0.5 मोल Cl2 को निम्न साम्यावस्था के लिए 1 लीटर के फ्लास्क में लिया, अगर 1 लीटर लेते हो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर तो मोल सीधे पुट कर सकते हो, कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। इस अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था स्थिरांक 0.3 है, तो अभिक्रिया की दिशा का अनुमान लगाइए, ठीक है, 0.6 मोल ऑफ PCl5, 0.3 मोल ऑफ PCl3 एंड 0.5 मोल ऑफ द Cl2 आर टेकन इन ए 1 लीटर फ्लास्क टू ऑब्टेन द फॉलोइंग इक्विलिबियम, इफ द इक्विलिबियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज 0.3 प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। अगर डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन पता करना है तो क्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्यू इज द रिएक्शन क्यू सेंट, अभिक्रिया गुणांक पता करना होगा आपको, ये लीजिए। अब क्यू क्या होता है, जैसे केसी कैलकुलेट करते हैं वैसे, एक्टिव मास ऑफ PCl3 इंटू एक्टिव मास ऑफ Cl2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ PCl5, ये लीजिए वैल्यू पुट कर लेते हैं, PCl3 का कितना दे रखा है 0.3, 0.5 अपॉन 0.6, 0.25। अब देखिएगा केसी ज्यादा है क्यू से तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, अगर क्यू ज्यादा होता बैकवर्ड में और बराबर हो जाता तो इक्विलिबियम में, फॉरवर्ड में जाएगी, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, सम ऑफ H3O+ एंड OH- इन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पर NaCl के जलीय विलयन में H3O+ तथा OH- का योग कितना होगा। फर्स्ट ऑफ थिंग NaCl का कोई हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, इसका मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन में H+ और OH- बराबर होता है, बट H+ जो होता है वो एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में होता है, इसलिए इन्होंने हाइड्रोनियम आयन लिखा हुआ है क्वेश्चन में। 25 पे ये 10^-7 मोलारिटी के बराबर होता है, तो H+ और OH- का जो सम होगा इट इज द 2×10^-7 m, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट बात करें 71, डेल्टा एस विल बी हाईएस्ट पॉजिटिव फॉर द रिएक्शन, किस अभिक्रिया में डेल्टा एस सर्वाधिक धनात्मक है। डेल्टा एस पॉजिटिव तब आएगा जब नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो जाए, तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज चेक करने हैं आपको, यहाँ पे वो भी गैस का, यहाँ पे गैस का हाफ मोल है, यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब मोल डिक्रीज हुआ, गलत है, यहाँ पे सॉलिड का एक मोल है, गैस का एक मोल बन गया, डेल्टा एन जी 1 आ रहा है अभी तक, डेल्टा एन जी 1 या तो माइनस हाफ, यहाँ आ रहा है 1, यहाँ पे चेक करें डेल्टा एन जी 0 है, यहाँ पे डेल्टा एन जी 0 है, तो जब डेल्टा एन जी पॉजिटिव होता है उस समय 100% एंट्रोपी इंक्रीज होती है, इस केस में एंट्रोपी इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई कोई आइडिया नहीं है, बट नॉट इक्वल टू 0 होगा, लेकिन डेल्टा एन जी पॉजिटिव है उस कंडीशन में हाईएस्ट पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज होता है, इट मीन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 72, हीट इवॉल्व इन द रिएक्शन H2+Cl2 कन्वर्ट टू HCl इज -182 किलो जूल,
बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच एच सी एल सी एल आर 430 एंड 240, ये एच सी एल इज ये इसके साथ है ना -180 किलो जूल। बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच एच सी एल सी एल एंड ये दे रखिए द एच सी एल बॉन्ड एनर्जी एच टू प्लस सी एल टू कन्वर्ट टू एच सी एल के लिए डेल्टा एच इतना दे रखा है, एच एच तथा सी एल सी एल की बंद ऊर्जा के मान इतने दे रखे है, तो एच सी एल के लिए बंद ऊर्जा का मान ज्ञात करो। आपको दे रखा है एच टू प्लस सी एल टू कन्वर्ट हुआ टू टाइम्स एच सी एल में, इट इज द डेल्टा एच -182 किलो जूल। अपन को मालूम है डेल्टा एच इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट -182 इट इज इक्वल टू, रिएक्टेंट में कौन है एच टू है, एच टू है तो इसका एक मोल, एक मोल की बॉन्ड एनर्जी कितनी बोलिएगा 430, प्लस सी एल टू है, सी एल टू की बॉन्ड एनर्जी कितनी बोलिएगा 242, माइनस कितने मोल एच सी एल बन रहा है 2 मोल, एच सी एल की मान ली एक्स -182 कितना हो गया भैया 672 माइनस 2x, तो 2x बराबर 672 प्लस 182 ये हो गया, तो x इज इक्वल टू 427 किलो जूल पर मोल, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है बॉन्ड एनर्जी का 73। उस गैस का अणुभार क्या होगा जो एक पारगम्य प्लग से समान परिस्थितियों में H2 गैस से 1/6 दर से विसरित होता है। The molecular weight of the gas which diffused through a porous plug at 1/6 of the speed of the hydrogen under identical condition। इसका मतलब ये है rate of H2, rate of diffusion of H2 upon unknown gas, ये 6 है, हाइड्रोजन 6 टाइम ज्यादा डिफ्यूज हो रहा है अगर उसकी रेट 1/6 है तो। ओके, ये किसके बराबर होता है मॉलिकुलर वेट ऑफ द गैस अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ द हाइड्रोजन, ये लीजिएगा गैस का मॉलिकुलर वेट फाइंड आउट करना है अपॉन हाइड्रोजन का हो गया 2, स्क्वायर कर दीजिएगा 36 इक्वल टू मॉलिकुलर वेट ऑफ द गैस डिवाइड बाय 2, मॉलिकुलर वेट ऑफ द गैस इट इज इक्वल टू 72। ओके, नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 96। एक ए बी यौगिक है अणुभार 64 है 400 पिकोमीटर है, जालक स्थिरांक वाली बीसीसी, जालक स्थिरांक वाली बीसीसी एक कोष्टिका में क्रिस्टलीकृत होता है, तो ए बी का घनत्व क्या होगा। एन आयोनिक कंपाउंड ए बी मोलर मास 64 इज क्रिस्टलाइज इन बीसीसी यूनिट सेल हैविंग लैटिस कॉन्स्टेंट 400 पिकोमीटर, द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल विल बी, इस डेंसिटी क्या होगी क्रिस्टल की वो देखते हैं। ठीक है, डेंसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला है सॉलिड के लिए जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यू। अब देखिए ग्राम पर ml या ग्राम पर सीसी में चल रहा है सेंटीमीटर क्यूब में, तो जेड की वैल्यू बीसीसी में है। अब सुनिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अब आप गलती यहां पे ये करोगे बीसीसी यूनिट सेल है तो आप जेड की वैल्यू 2 ले लोगे। अब सुनिएगा इट इज द ए बी टाइप ऑफ कंपाउंड, इट मीन्स इट इज द सीजियम क्लोराइड टाइप कंपाउंड, इसका जेड कितना होता है 1। ये बीसीसी इसलिए बोल रहा है कि इसके अंदर ए कैटाइन जो होगा वो क्यूबिकल वॉइड पे होगा, मीन्स बॉडी सेंटर पे होगा, और बी माइनस क्या बना रहा होगा कॉर्नर बना रहा होगा, तो जेड इसका एक है, जेड इसका एक है। जब ए बी का मोलर मास लोगे तो उस कंडीशन में जेड 1 ही कंसिडर होगा, 2 मत कंसिडर कर लेना। ठीक है, ये 1, एम कितना 64 अपॉन एन ए 6 × 10³ पिकोमीटर में है, तो 4 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्यूब। ओके, 64 10⁻⁹, 64 से 64 गया 10/6, इट इज द 1.67, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, बस ये ध्यान रखना है ए बी टाइप के लिए। ओके, नेक्स्ट बात करें 97। स्लोप ऑफ द प्लॉट बिटवीन एल एन के वर्सेज 1/t, एल एन के तथा 1/t के मध्य ग्राफ का ढाल क्या होगा। आपको मालूम है k इज इक्वल टू होता है a e रेस टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी अकॉर्डिंग टू आर एन एस इक्वेशन, एल एन ऑफ द k इट इज इक्वल टू एल एन ऑफ द a माइनस ई ए अपॉन आर इंटू 1/t। अगर ये x है ये y है, इट मीन्स ये स्लोप हो गया, तो स्लोप किसके बराबर हुआ माइनस ई ए बाई आर के बराबर, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, 98।
the value of SRP of X, Y and Z metal cations is cation K दे रखे minus 0.5, minus 0.25, 0.35, calculate correct decreasing order of the reactivity of the metal. X, Y तथा Z धातु धनायन के लिए SRP के मान दे रखे आपको, तो धातु की क्रियाशीलता का घटता हुआ सही क्रम है. रिएक्टिविटी ऑफ मेटल की अगर अपन बात करें या रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है SRP, जिसका SRP कम उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, तो फिर X, फिर Y, फिर Z सेकंड इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट बात करें 99.01 mm बेरियम हाइड्रोक्साइड विलयन की पीएच होगी. पीएच ऑफ 0.01 mm बेरियम हाइड्रोक्साइड. बेरियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीट टूटेगा. बेरियम 2++2 टाइम्स OH- ये आएगा. यहां से अगर अपन कह रहे 0.01 है, ये खत्म हो जाएगा, 0.01 बनेगा, डबल बनेगा. इट मींस 2×10⁻²- हो गया. तो यहां से POH कैलकुलेट होगी 2 − log 2, इट इज द 1.7. तो pH हो जाएगा 14 − POH, तो ये आ जाएगा 12.3. फोर्थ इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखिएगा, द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशन. निम्न समीकरण में x का मान ये कीजिए. ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, MnO4- है, ठीक है. एसिडिक मीडियम दे रखा है, Mn2+ है. तो सिंपल सी बात है, यहां से यहां गया तो +7 था, +2 था, 5 का चेंज हुआ है. इट मींस 5 इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐड होंगे, ठीक है. इधर 4H2O आया होगा तो यहां पे 8H+ आएगा. चार्ज बैलेंस है, सब कुछ है, 5 इलेक्ट्रॉन आ गया. फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. ओके, अब लास्ट के दो दिनों में आपको बस कूल माइंड रखना है, पॉजिटिव माइंड रखे, पॉजिटिव थॉट के साथ रहे कि पेपर अच्छा होगा. क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो ये एग्जाम में आए हुए या इस टाइप के एनसीईआरटी वगैरह में क्वेश्चन दे रखे, बस अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे. दो दिन के लास्ट 2 days, ये 9 दंगल हो गया है, 10 दंगल एक लास्ट बचा है, और उसके बाद 2 दिन जो है उसके अगले दिन तो आपको एग्जाम ही देना है. अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे, पेपर बहुत अच्छा होगा, ठीक है. जो आपने पढ़ा है उसी में से ही आएगा. ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.